तो चलिए बच्चों, आपका पुनः एक बार स्वागत है। बच्चों, कल हमने पूरे भिन्न के जितने भी प्रश्न थे या भिन्न के बारे में जो भी जानकारी थी, भिन्न किसे कहते हैं, भिन्नों के प्रकार, हमने जान लिया था। बच्चों, हमारे तरफ से एक क्वेश्चन क्या रह गया था, दशमलव भिन्न के बारे में। हमने दशमलव भिन्न के बारे में नहीं पढ़ा, और नवोदय विद्यालय में तो आपने देखा दशमलव भिन्न से रिलेटेड तो हर एक पेपर जो अभी तक हुए हैं, हर एक पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए इतने क्वेश्चन लाया हूँ जितने में से आप अगर इन क्वेश्चनों को हल करते तो 100% मान के चलिए आपका दशमलव भिन्न कंप्लीट हो जाएगा। पर उसके पहले बच्चों, अगर आप चैनल में नए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको नवोदय में सिलेक्शन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल यही है जो आपको 100% सिलेक्शन दिलाता है। आपने देखा होगा इसके पहले हमने कितने बच्चों का इंटरव्यू भी लिया है जो यहाँ से सेलेक्ट होकर गए हैं, और उन्होंने सबने बताया कि हम कैसे पढ़ाते हैं, क्या क्या करवाते हैं, जो हम टेस्ट करवाते हैं, हम डेली प्रैक्टिस करवाते हैं, हम लोग आपको डेली टेलीग्राम में जो PDF भेजते हैं उससे भी आप अपना जो स्कोर है वो बहुत अच्छे से चयन करते हैं। तो चलिए हम लोग अपना बिना समय गवाए सबसे पहले जानते हैं दशमलव भिन्न के बारे में कि दशमलव भिन्न क्या है। तो बच्चों, दशमलव भिन्न किसे कहते हैं? तो जब किसी संख्या में 10, 100, 1000 या 10 के गुणक का भाग दिया जाता है तो इस प्रकार भिन्न को दशमलव भिन्न कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई संख्या है ऊपर, अगर आपने उस संख्या को 10 से भाग दे दिया हो, या अगर आपने उस संख्या को 100 से भाग दे दिया हो, या आपने उस संख्या को 1000 से भाग दे दिया हो, तो ये सब क्या हैं? ये भाग देने पर ये सब दशमलव के रूप में आपको प्राप्त हो जाते हैं। तो यही तो दशमलव भिन्न है। देखिए, एक हम सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। 3 के बटे अगर 10 लिखा है तो बच्चों हमें 10 से भाग देना है 3 में। आपको पता है ऊपर बड़ी संख्या रहती है तभी हम नीचे संख्या से भाग दे सकते हैं। भाग नहीं जाता, इसके लिए 0 दशमलव लगाए और दशमलव का 1 0 अब हमें हम यहाँ उतार सकते हैं। तो 10 का पहाड़ा वैसा पढ़ो कि 30 से ना बढ़े। तो 10 एकम 10, 10 या 30, मतलब हमारा उत्तर कितना आया दशमलव के रूप में भिन्न को लिखा हमने तो 0.3 आया। कितना आया बच्चों? 0.3 आया। 0.3 क्या है? इस भिन्न को निरूपित करता है, इस भिन्न को निरूपित करता है। उसी प्रकार चलिए एक क्वेश्चन और देखिए। अगर यहाँ पर 12 लिखा है और 12 के बटे यहाँ पर 10 लिखा है, फिर से इसे दशमलव भिन्न में निरूपित करना है तो कुछ नहीं बच्चों, 12 देखिए बड़ी संख्या है, एक बार भाग जा सकता है, तो 10 एकम 10, 12 में से अब 10 घटाओ बच्चों, कितना बचेगा? 2। अब 2 में भागने जाते हैं इसके लिए यहाँ दशमलव लगाओ और यहाँ पर उतारिए आप लोग 0। अब कितना हो गया? 20 हो गया। अब 10 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 20 से ना बढ़े। तो 10 दूनी कितना होता है? 20। मतलब 1.2 क्या है, इसको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं 12 के बटे 10 को। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा 10 वाला। एक अब हम 100 के रूप में वाला भी देख लेते हैं। अब हमारे पास मान लो 30 बटे में कितना है? 100 है। इसको हल करने के लिए क्या करना पड़ता है? देखो, अगर आपको नहीं आता तो आपको ये वाला भाग आता है, तो यहाँ 100 को लिखते हैं, यहाँ 3 को लिखते हैं। आप इस प्रकार से भी हल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर कैसा हल करेंगे? यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3 बटे में 100। अब भाग देना है तो भाग दिए, 100 का भाग 3 में नहीं जाता, 0.0। हमारे मन से हमने क्या करा? 1 0 उतार लिया, लेकिन भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा, इसलिए इधर 1 0 उतारो, फिर यहाँ पर 1 0 उतारो। अब 100 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 300 से ना बढ़े, तो 100 एकम 100 होता है, 100 तिया 300, तो 3 यहाँ पर लिखिए, तो 0.03 हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। उम्मीद है अब आपको दशमलव को भिन्न में या भिन्न को दशमलव में बदलने की, जो हमने अभी क्या जाना, भिन्न को दशमलव में बदले। अब मान लो आपके पास लिखा है, क्या लिखा है बच्चों? आपके पास लिखा है 0.3, इसको भिन्न के रूप में बदलना है तो कैसे करोगे? कुछ नहीं करना है, पहले ऊपर वाली संख्या को जितनी है 0.3 है, 0.3 लिख लिया आपने, बटे लगाओ, दशमलव का 1 लिखो, कितनी संख्या है दशमलव के बाद? 1 ही संख्या है, तो 1 0 लगा दो। देखो 3 के बटे 10, इसको लिख सकते हैं हम लोग, अब भी हमने हल भी किया था, ठीक है। उसी प्रकार अगर हमारे पास, मान लीजिए हमारे पास 0.396 है, कुछ नहीं करना है बच्चों, ऊपर वाली संख्या को पहले जैसे का वैसा लिखिए, फिर बटे लगाइए, दशमलव का 1, उसके बाद 3 संख्या है तो आप 3 0 लिखिए, लिख दिए, ये बदल दिया आपने इस दशमलव वाले को भिन्न के रूप में। 0 की कोई वैल्यू नहीं है तो आप 0 वहाँ से हटा भी सकते हैं, 0 की जब वैल्यू कोई नहीं रहती तो आप यहाँ से 0 को हटा सकते हैं। उम्मीद है आपको भिन्न को दशमलव में और दशमलव को भिन्न में बनना लगा होगा पूरा। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चन लेके आए आपके लिए, उन्हीं को देख लेते हैं। बच्चों, नवोदय में सिलेक्शन चाहिए तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ,
डेली चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिए। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए, फिर दोस्तों में शेयर कीजिए, फिर टेलीग्राम में जाइए, पीडीएफ प्राप्त कीजिए, आप रंजित रामडाले सर्च कीजिए टेलीग्राम में, वहाँ पर आपको रीड एंड लर्न का वो मिलेगा लोगो, आप वहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ से ज्वाइन करिए टेलीग्राम को, और वहीं से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन कहता है बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक के बटे दो का मान दशमलव में ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं, अब भी हमने क्या किया, एक के बटे दो ऐसा लिखा था, इसको हम लोग दशमलव के रूप में ज्ञात करने के लिए दो का भाग क्या एक में जाएगा, नहीं, जीरो दशमलव, यहाँ पर अब एक सुनुताली क्योंकि दशमलव लगा दी, दो एकम दो और दो का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि दस से ना बढ़े, तो दो पंचे दस, मतलब जीरो दशमलव कितना आया, 0.5। कौन सा आंसर होगा जल्दी बताइए, कौन सा आंसर होगा कमेंट करो जल्दी, फास्ट कमेंट कीजिए। चलिए इसके नीचे वाले आप करिएगा, यहाँ पर आंसर होगा हमारा ए नंबर का 0.5, ठीक है, पहले प्रश्न का 0.5 ए ही उत्तर हो जाएगा। अब दूसरा प्रश्न देखेंगे आप लोग, दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों आपसे, 0.30 का मान दशमलव भिन्न में व्यक्त करो। दशमलव भिन्न में हमने अभी आपको व्यक्त करना सिखाया था, कैसे व्यक्त किए थे हमने, कि पहले पूरी संख्या जो है उसको लिख लीजिए, एक सेकेंड रुकिए, क्या है संख्या 0.30 है, बटे दशमलव का एक, उसके बाद कितनी संख्या 3 1 हो गई और 0 2 हो गई, तो 2 0। अब यहाँ पर देखिए, ये भी आपका प्रश्न का उत्तर है, लेकिन आपको ऐसा कहीं दिख रहा है क्या, देखो ए नंबर सी नंबर बी नंबर या इनमें से कोई नहीं, पे टिक मत कर देना, रुको अभी, ये लास्ट वाला 0 इस 0 से कट सकता है, तो बचा कितना बच्चों 3 के बटे 10, क्या ये वाला आपको नजर आ रहा है, हाँ आ रहा है ना ए नंबर पे, इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यहाँ पर गलती किया इन्होंने कि ये वाला आंसर भी दे दिया, इनमें से कोई नहीं, उन्हें ये नहीं देना था बच्चों, ये ए नंबर का हो जाएगा, बहुत आसान लगा ना। अब यहाँ पर देखो गुणा करना, गुणा करना भी हमने एक वीडियो में बहुत अच्छा दशमलव का गुणा बताया था, आपने उम्मीद है वो देख लिया होगा, नहीं देखा है तो हम अभी लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप देख सकते हैं या आई बटन में भी आप देख सकते हैं। बच्चों जवाहर नवोदय विद्यालय में सलेक्शन के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करोगे, मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ बच्चों कि आप लोग नवोदय विद्यालय पेपर को अच्छे से फाइट करें और जल्दी से जाकर नवोदय के विद्यालय में प्रवेश लें और बहुत अच्छे से आप पढ़ाई करें। जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम आपको बहुत ही आसान लगेगा जब आप हमसे पढ़ने लगेंगे। अभी हम लोग प्रश्नों की डेली श्रृंखला चालू कर रहे हैं, जैसे हमने भिन्न पढ़ाया, ऐसा नहीं कि हम पेपर ला दिए आपको कोई भी पेपर करा दिए, हम वैसा नहीं कर रहे, हम आपके लिए क्या करते हैं, हम लोग डेली एक चैप्टर उठाते हैं, चैप्टर के 3-4 वीडियो में आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट कराते हैं, उसके बाद हम लोग आपको बताते हैं कि आपको इस चैप्टर से क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता। इसलिए कहते हैं कि आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि हम एक चैप्टर को पूरा कंप्लीट पढ़ाते हैं, उसके बाद आपके सामने मॉडल टेस्ट लेके आते हैं, और मॉडल टेस्ट तो इतने अच्छे लेके आते हैं कि प्रत्येक बच्चे से आप पूछ सकते हैं, कमेंट कीजिएगा कि क्या ये चैनल में आपने जो पढ़ा है अन्य बच्चों ने क्या यह सही है, तो आपको जरूर उसका आंसर हमारे जो सेलेक्टेड बच्चे हैं जरूर देंगे। इसके लिए कहते हैं कि आप मॉडल आंसर के लिए भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, जिसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में देंगे। गुणा करने के लिए हमने आपको बताया है कि 0.1 गुणा 0.1 इसका गुणा करते हैं, तो एक का पहाड़ा सबसे पहले पढ़िए एक में, तो एक एकम एक, एक का पहाड़ा शून्य में पढ़िए तो शून्य, गुणा हमने गुणा के ट्रिक भी बताया, उसका भी वीडियो है, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब जीरो का गुणा एक से करें तो 0 1 0 और 0 का 0 कितना आ गया, ये आ गया बच्चों 1 0 0, कितनी संख्याएं हैं दशमलव के बाद एक और ये एक दो, मतलब यहाँ दशमलव लग जाएगा। अब हमारा आया क्या, हमारा आया 0.01, अब इतना आया उसका ये वाली संख्या से गुणा कर दीजिए, ये रह गई क्योंकि 0.1 गुणा करे तो 1 1 1 1 0 0 1 0 0 फिर गुणा 3 बार 0 0 0, अब हल कर दो 1 0 0 0 हो गया, ये जोड़ते हैं आपको भी पता होगा हमने यहाँ पर जोड़ा है दोनों में, अब यहाँ पर एक संख्या और ये दो संख्या, 3 संख्याओं के बाद दशमलव लगेगा, तो इधर पीछे से गिनते हुए जाते हैं और दशमलव लगाते हैं, तो देखिए यहाँ पर दशमलव लगाना, तो 3 संख्याओं के बाद लगा दिया, अब उत्तर देख लीजिए 0.001 कहाँ डी नंबर का है 0.001, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, रुकिएगा एक सेकेंड, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा,
चौथे नंबर का क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, चौथे नंबर का क्वेश्चन कह रहा है यदि 2496 के बटे 24 बराबर 104 और 24.96 के बटे 24 का मान ज्ञात कीजिए। कोई जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे से हम हल कर लेंगे, कुछ नहीं करना है आपको। देखो बच्चों, इनको हल करने का तरीका देखना। देखो 2496 के बटे 24 है, इसको सबसे पहले तो दशमलव हटाओ। ये क्या लिख सकते हैं हम दशमलव के बिना, इसको 2496 बटे 24 लिख दिए। अब देखो ये दशमलव है, तो दशमलव के लिए पहले संख्या ऊपर पूरी लिख दिए, दशमलव का एक, उसके बाद कितनी संख्या है, 9 और 6 दो संख्या है, तो ये दो जीरो लगा दिए, आ गया बटे में आ गया। अब देखिए बटे में आ गया तो 104 है, इतने की जगह हम लोग, कितने की जगह बच्चों, हम लोग ये वाले मान की जगह, इतने मान की जगह क्या लिख सकते हैं, ये देखो 104 नाम मान दिया है, तो हम 104 लिखेंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 104 हो जाएगा, कितना 104, कितना हो गया 104, बटे में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, बटे में 100। एक बार यहाँ पुनः लिखते हैं हम लोग, रुकिए यहाँ पर देखिए, यहाँ कितना आ जाएगा 104, इसकी जगह लिख दिया हमने इतने की जगह, अब ये बटे में 100 था तो ये बटे में 100। अब भी हमने भाग देना सिखाया था, देखो भाग देने के लिए 100 का भाग 104 में दिए तो एक बार जाएगा, अब बचा कितना, 4 बचा, क्या 4 में भाग जाता है, नहीं, दशमलव लगाए एक जीरो उतारे, क्या भाग जा रहा 40 में, नहीं, तो यहाँ एक जीरो लगा और यहाँ पर भी एक जीरो उतारो, तो 100 एकम 100, 100 चौके 400, यहाँ आ गया ये। अब देखो 1.04 आपको बी नंबर के ऑप्शन पे दिख जाएगा, 1.04 ये इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, चौथे का सही आंसर क्या है, 1.04। हम प्रश्न कम लाते हैं लेकिन आपको सिखाते बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए आप जरूर अच्छे ध्यान से करिएगा क्वेश्चनों को। चलिए अब यहाँ पर सबसे छोटी भिन्न ज्ञात कीजिए। बच्चों सबसे छोटी भिन्न में ना आपको हमेशा देखना है कि नीचे वाले मान में सबसे ज़्यादा बड़ा मान कहाँ पर है, तो आपको नज़र आ रहा होगा ये वाला, क्या ये कहीं आपको ऑप्शन में है, नज़र आया, हाँ आया ना, तो डायरेक्ट उत्तर लगा दीजिए। तीन 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 ऊपर सब में है, इसके लिए हमने कुछ नहीं देखा, नीचे देखा, नीचे देखा, जो सबसे बड़ी संख्या है वही हमारी सबसे छोटी भिन्न होती है, तो ये हमने राइट आंसर लगा दिया। उम्मीद है आपको ये भी बन गया होगा, ठीक है। अब मैं आपको दो क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ बच्चों, आपको करना क्या है, इसको भाग के रूप में लिखना, जैसे 0.5 है, इसको इसको भाग लिखे तो 0.5 आया, इसको यहीं पर ही रहने दो, पहले इन दोनों को हल करो फिर इसको हल कर लेना 0.5 को, ठीक है। इतना होने के बाद अगले क्वेश्चन में इन दोनों का गुणा करना, फिर इन दोनों का गुणा अलग करना, इन दोनों के गुणे में से ये जो भी आएगा इतने के गुणे में से घटा देना, बहुत अच्छे से आप इन दोनों प्रश्नों को हल कीजिए। वीडियो को पॉज करिए, रोकिए वीडियो को, स्टॉप कीजिए, पहले इन दोनों प्रश्नों को हल कीजिए और मुझे क्या करिए आप, आंसर सेंड कीजिए कमेंट बॉक्स में, आंसर कमेंट में सेंड कीजिए, देखते हैं क्या आपने पढ़ा है और क्या आपको क्वेश्चन बन रहे हैं, नहीं बन रहे कोई बात नहीं, हम अगले वीडियो में ये वाला क्वेश्चन और ये वाले क्वेश्चन का आंसर देंगे आपको। जब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।